हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अलग तरह की स्लीव बनाना बताएंगे। इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगी, जो कि बच्चों के टॉप में या फ्रॉक वगैरह में इस डिज़ाइन को आप बना सकती हैं और इससे फ्रॉक या टॉप बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हमने इस स्लीव की लंबाई चौड़ाई कट कर ली है। इसकी लंबाई है 12.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। वैसे लंबाई मैंने 12.5 इंच रखी है, चौड़ाई भी मैंने सेम रखी है, 12.5 12 दोनों साइड से है। ये 3 साल की बच्ची के लिए, अगर बड़े बच्चों के लिए बनाना हो तो लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा सकती हैं। देखिए, हमने हर जगह से लंबाई चौड़ाई सेम रखी है, बस हमने ये आरमोल की कटिंग कर दी है। इस तरफ से भी देख सकती हैं 12 12.5 इंच और ये है 6.5 इंच चौड़ाई, यानी कि चौकोर कपड़े से आप इस तरह से स्लीव कटिंग कर सकती हैं। और ये मैंने कफ़ की कटिंग की है, इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और कफ़ की लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। तो इसको हमें कफ बनाना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से लगाना होगा। तो मैंने पहले इसकी कटिंग कर ली थी और ये कपड़ा मैंने कट किया है। इसकी इसको लंबाई में मैंने इस तरह से पट्टियाँ कट की हैं दोनों स्लीव के लिए अलग अलग। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लें, इसकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। 3 इंच चौड़ाई, 21 इंच लंबाई में मैंने इस कपड़े को कट किया है। तो इसको स्लीव में हमें लगाना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड और दोनों पट्टियों में, क्योंकि दोनों स्लीव के लिए हमने कट किया है। तो पहले हम इसको सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और दोनों स्लीव के लिए मैंने पट्टियाँ कट की हैं, दोनों पट्टियों को इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगाना होगा। हमने दोनों पट्टियों में एक एक साइड से सिलाई लगाई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने इसको दोनों साइड से सिलाई लगा करके इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हमारी स्लीव है, इसमें हमें उसको जॉइंट करना होगा बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ हम चाहे तो सीधा निशान लगा लें या चाहे तो दोनों साइड हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमें बीचों बीच निशान का पता चल जाएगा। वैसे बीच में निशान लगा लें तो वो और ईजी रहेगा सिलाई करने में। इधर भी हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस कपड़े को यहाँ हमें लगाना है इस तरह से चुनट बना करके। बीच में हम इसके सिलाई लगाएंगे, चुनट बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हमने इस चुनट को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे इस तरह से बीच में रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इस निशान के पास से इसे हम रखेंगे यहाँ, और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये दोनों साइड से हम इसे सेट करते हुए, कहीं हमारा कपड़ा सिलाई में ना दबे तो हम दोनों साइड से इसे सेट करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको बिल्कुल ध्यान से बीच में सिलाई लगाएंगे कि हमारा कपड़ा कहीं भी दबे ना। देखिए, ये इसका एंड है, यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को दोनों साइड से उंगलियों से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, नहीं तो सिलाई में हमारा कपड़ा दब सकता है। ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से खींच के एकदम सेट कर लेंगे और फिर इसके दोनों साइड हम इस तरह से प्लेट लगा लेंगे, क्योंकि कफ़ में हमें प्लेट लगा करके कफ़ को ज्वाइंट करना होगा। तो दोनों साइड हम इस तरह से प्लेट लगा करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम प्लेट लगाना शुरू करेंगे। चाहे तो आप बिल्कुल बारीक बारीक सा चुनट बना सकती हैं, चाहे तो आप आधे आधे इंच का प्लेट भी इस तरह से डाल सकती हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से इसे आप बना सकती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ का प्लेट लगा करके इसे पहले फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम कफ को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से इसको लगाया है प्लेट को। ये जो ऊपर हमने चुनट वाला कपड़ा लगाया है, उसके नीचे हमने प्लेट को लगाया है इस तरह से।
बस इतनी दूर तक हम प्लेट लगा करके फिर इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि हमें और आगे तक सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि दोनों साइड हमें सिलाई करके कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें कफ़ में ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए कफ़ की और स्लीव की चौड़ाई दोनों की सेम है, तो अब यहाँ हम पहले ज्वाइंट नहीं करेंगे। ज्वाइंट करने से पहले ये जो स्लीव का किनारी है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो दोनों साइड को पहले हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ हमने कट लगाया है दोनों साइड, जितना हमने कट लगाया है जहाँ तक वहीं तक हम इसे फोल्ड करेंगे। एक साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड भी हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें कफ को ज्वाइंट कर देंगे। तो कफ को ज्वाइंट करने के लिए हम पहले नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए ये हमारा तैयार होके 7 इंच है और हमारे कफ़ की लंबाई 8 इंच है। तो हमने कफ़ को 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच सिलाई के लिए चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी लंबाई 8 इंच रखी है। अब इसको हाफ हाफ इंच दोनों साइड छोड़ते हुए इतना सा कपड़ा बाहर निकालते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक कफ़ की सिलाई लगा ली है। हमने कफ़ में बुकरम नहीं लगाया है, अगर चाहें तो आप पेस्टिंग पेपर या बुकरम कुछ भी लगा सकती हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो बच्चों को थोड़ा टाइट कपड़े पसंद नहीं होते, इसलिए मैंने इसको प्लेन ही बनाया है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे इधर की साइड। और इस साइड सिलाई लगाने के लिए पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से टाइट करके बिल्कुल सेट करते हुए तब उसके बाद हम यहाँ की सिलाई लगाएंगे। नहीं तो अक्सर कफ़ का दोनों पार्ट अलग अलग थोड़ा सा छोटा और बड़ा हो जाता है, तो इस तरह से हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, अब इस कफ़ के ऊपर से सिलाई लगानी होगी। तो उसके पहले देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है, अब कफ़ को हम सीधी साइड पलट देंगे। यहाँ से सीधी साइड पलटने के बाद यहाँ का हम जो कॉर्नर है इसका बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद ये कपड़ा जो है इसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और बिल्कुल फ्रेश इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम सेट कर लेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ सेट करके इसके ऊपर हम पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे घुमा करके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमें चारों तरफ से कफ को सेट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें घुमा घुमा करके सिलाई लगा लेनी है पूरी कफ में। अब इस तरह से हमारी कफ स्लीव बनके तैयार है। यह स्लीव बच्चों के टॉप वगैरह में अगर बनाना हो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा टॉप। और यहाँ पर हमें जो हमें टॉप में ज्वाइंट करने वाला पार्ट है यहाँ भी हमें चुनट लगाना होगा, तो चाहे तो इस तरह से चुनट लगा लें, चाहे तो सिलाई करते वक्त भी आप चुनट लगा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने चुनट लगा करके इसको पहले से ही सेट कर लिया है। अगर यहाँ पर हम पहले चुनट लगा लेंगे तो हमें टॉप के इस आर्मोल वाली साइड को ज्वाइंट करने में बिल्कुल इजी रहता है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी अगर पहले चुनट लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। यह स्लीव पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बच्चों के टॉप वगैरह में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो देखिए हमने इस तरह से स्लीव की पूरी कंप्लीट लुक आपको दिखाई है। उम्मीद है कि यह हमारी स्लीव डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।